आरिफ महबूब साहब, स्मोक के ऊपर हम बात करेंगे। स्मोक जिसकी लपेट में इस वक्त पूरा पंजाब है, पहले लाहौर के होते थे बल्कि लाहौर का इलाका बढ़ता गया और लाहौर में स्मोक शुरू हुई जो पंजाब साल पिछले कुछ 5 रोज से छाई रहती है, जिससे लोग जो हैं वो उन्हें आमदोरफ्त में मुश्किल जो बीमारियां हैं उसमें एलर्जी वगैरह हो रही है और हमारे साथ आरिफ साहब मौजूद हैं। हुकूमत की क्या हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है, आरिफ साहब हमें बताएंगे। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं है क्या होता है, तो काफी इसकी वजह से लोग जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। क्या हुकूमत की जानिब से जो है वो 8 बजे को बाजारों को बंद करने की भी हिदायत की गई है, तो क्या इकदाम जो है वो करने जा रहे हैं? स्मोक बेसिकली इसमें डस्ट, ये कसाफ्तें, गैसें, अनवांटेड गैसें, और बेसिकली ये ह्यूमन एक्टिविटी ही है। तो एनी हो, इसमें जैसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स डाउन होता है तो इसमें बच्चे हमारे जो ऑलरेडी जिनको सांस की प्रॉब्लम है, जो उनके लिए बड़ा सेंसिटिव है, तो बेसिकली स्मोक के जितने भी सोर्सेज हैं, ये शहर के अंदर गाड़ियां, शहर के बाहर क्रॉप बर्निंग, और जो इंडस्ट्री बेसिकली जहाँ इंडस्ट्री के लिहाज से बैकवर्ड है, हमारे जहाँ इंडस्ट्री नहीं है जितनी फैसलाबाद या मतलब हमारे दूसरे पहले डिस्ट्रिक्ट। नंबर पे लाहौर और दूसरे नंबर पर फैसलाबाद जो है वो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है, और से फैक्ट्री से निकलने वाला वो भी है स्मोक का। जी हाँ, जी जी बिल्कुल। तो गवर्नमेंट इसके हवाले से बहुत से स्टेप्स उठा रही है, तो इसमें हमारे साथ साथ गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक से भी, आपके इस चैनल के हवाले से मेरी रिक्वेस्ट है, पब्लिक भी कोऑर्डिनेट करे, जी बिल्कुल, अवेयरनेस गाड़ियों पब्लिक। की ट्यूनिंग बर वक्त होनी चाहिए, स्मोक इमिशंस नहीं होंगे, उनकी स्पेयर पार्ट्स जेन्युइन फिट होने चाहिए, स्मोक इमिशंस नहीं होंगे इंडस्ट्री के लिए। जहां भी कोई ऐसी कोई एक्टिविटी है उसके लिए रिमेडियल मेजर्स अब बाई लॉ मस्ट हैं, गाड़ी है, फैक्ट्री है, जहां भी कोई इस किस्म की कोई एक्टिविटी है तो बैठे हैं उसके लिए जिगजैग टेक्नोलॉजी आ गई है, जो जिगजैग पे अडॉप्ट है उससे। तो ये जो भट्ठा का एक बहुत बड़ा पिछले दिनों मसला रहा, और इन्होंने जब आप लोगों की जानिब से महकमे इस हवाले से इनके खिलाफ आप लोगों ने एक्शन भी लिया है, लेकिन ये लोग हैं कि ये समझने को तैयार नहीं है, ये लोग जिगजैग टेक्नोलॉजी पर खुद को मुंतकिल नहीं कर रहे हैं। और खास तौर पे अगर हम भट्ठों के हैं तो लाहौर डिवीजन, गुजरांवाला डिवीजन या फिर फैसलाबाद की बात करें तो यहाँ इतने कोई ज्यादा तादाद में, और यहाँ से जो है वो जिगजैग टेक्नोलॉजी पे बहुत ही कम भट्ठे मुंतकिल, और यहाँ से निकलने वाला जो धुआं है वो भी की है उसका जो अभी चूंकि सीजन है जो है उन्होंने अभी धान उठाया है तो खेतों को किसान जो है उनकी जानिब से आग लगा दी जाती है, कूड़ा करकट को आग लगाई जाती है। इस हवाले से लोगों में अभी स्मोक है भाई, स्मोक धरती कैसे है, हमारी भी कुछ तैयारियां हैं। जनाब बेसिकली ना मैं यही बात कर रहा था कि आपके चैनल के हवाले से मेरी रिक्वेस्ट है पब्लिक से, हमारे ऑडियंस से, कि इसमें हमारी हमारे जंग के हर शख्स का कंट्रीब्यूशन है स्मोक को मिनिमाइज करने में, स्मोक को रिड्यूस करने में। तो क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने सोर्सेज वसायल नहीं होते, एनी हो रूल लॉ मौजूद है, डिपार्टमेंट उसको फॉलो कर रहा है, भट्ठे बेसिकली तमाम जिगजैग हैं, जंग में 300+ भट्ठे हैं डिस्ट्रिक्ट जंग में, तमाम जिगजैग हैं, इसमें 69 भट्ठा ओनर्स हैं, यानी उनका जमीन भी अपनी है, भट्ठा भी अपना है, दे आर सीरियस, वो पहले से अडॉप्ट हो चुके हैं। बाकी 234 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, यानी उनकी जमीन नहीं है, सिर्फ बैठा है। तो उस हवाले से उसमें जो मतलब हमारा एक सोसाइटी का ऐसा तबका बैठा, मतलब कॉन्ट्रैक्टर और उसकी एज 50+, वो बैठे की तरफ इतना मतलब उस सीरियस नहीं होते जितना जमीन ओनर्स होते हैं। एनी हो,
तो डिपार्टमेंट की मुसलसल उन पे मॉनिटरिंग जारी है, तो अब वो ट्रेंड ही नहीं रहा क्योंकि इस पे वो सक्सेसफुली जा चुके हैं, जहां भी किसी को वायलेशन है वो रेयर है, उसको उसको फौरी डिपार्टमेंट मॉनिटरिंग कर रहा है, उसके खिलाफ एक्शन ले रहा है, तो उसको फाइन हो रहे हैं, बट हिट मालिश हो रहे हैं। इवन अब 12 जुलाई से हाई कोर्ट आर्डर है कि जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट नहीं हो रहा, जब शिफ्ट हो भी गया स्टिल एसओपी की वायलेशन है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की वायलेशन है, तो उसको हम फोर रिफ्यूज को डिमोलिश करते हैं, सख्त तरीन एक्टिविटी सख्त तरीन ला भट्ठा ही गिरा देते हैं, भट्ठे को डिमोलिश कर देते हैं। तो उससे पहले उनको वार्निंग नोटिस जारी हो चुके हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी हैं, उनको अवेयरनेस कर चुके हैं, वन से मंथ एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी हम एक बकायदा वॉक सेमिनार अवेयरनेस सेशन अरेंज करते आ रहे हैं स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, अपने भट्ठा ओनर्स के लिए, अपनी जिम्मेदारों के लिए। तो हमारी अवेयरनेस एक्टिविटीज भी चल रही हैं, और चैनल से मेरा इस वाले से रिक्वेस्ट भी है, इकानली इस वाले से आपको देखिए हमारा था हम देखिए स्टोरी उस तरह की स्टोरी करें जिसमें सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कोई काम कर सकें। और मैं ये चाहता था क्योंकि देखिए इस वक्त स्मोक जो है बड़ा इशू पंजाब में स्मोक है, करें कि लोग मतलब ट्रैवलिंग नहीं कर पा रहे, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, लोग घरों में महसूस, और हुकूमत ने भी जाहिर है बहुत अच्छा स्टेप लिया, स्कूल्स जो है उन्हें बंद किया गया है। हो सकता है कि अगर ये, मुझे तो ये लगता है कि अगर ये सूरत अगर स्मोक का ये यही सिलसिला मजीद जो है वो कोई बेहतरी नहीं आती, शायद आगे जाकर जो है वो लॉकडाउन की सूरत भी जो है वो शायद हम उसका सामना करना पड़े लॉकडाउन, क्योंकि देखें अगर हमने सबसे पहले देखें इंसानी जिंदगियां जो है उनको सेना है, उनको बचाना है, तो सूरत हाल है कि लोगों तंगी हो रही है, और इसमें मस्नूई जो बारिश है वो बहुत जरूरी है। समझता हूँ कि जो सूरत हाल ये पिछले 4 से 5 रोज में जो इस वक्त पूरे पंजाब के, तो मस्नूई जो बारिश है वो भी बहुत जरूरी है, पिछले से मतलब जो गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है वो ये है कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे जो साइंटिस्ट इंजीनियर्स हैं वो इस पे वर्क कर चुके हैं, और इससे मौसमी बारिश को जो होगा खास तौर पे ये जो 3 डिवीजन है जिसमें लाहौर डिवीजन गुजरात यहाँ स्मोक जो है वो छाई, और अगर ये स्मोक की सूरत हाल मजीद कुछ रोज तक बरकरार रहती है यकीनन जो है वो नुकसान होगा, लोग और फिफड़ों की बीमारी जो है इसमें ज्यादा लोग जो है वो मुबतला होंगे, बीमारी में मुबतला होंगे, और इन लोग ये हमारी कोशिश थी कि हम कोर्ट का खास तौर पे आपको आपके बहुत नहायत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इसमें सबसे अहम जो आप लोगों ने भी, और जैसा मैंने आगाज में कहा कि ये सीजन होता है किसान जो है हम चैनल के हवाले से आगाही कि क्या हमारे यहाँ ट्रेंड चलता है कि जैसी फसल उठाई जाती है उन दिनों धान की फसल तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और अरसा अब बताएंगे जो लोग इसको यकीनी नहीं बनाएंगे तो उनके साथ क्या किया जाएगा, क्या उनके जुर्माने बेसिकली रूल लॉ मौजूद है। आपने एक अच्छी बात की, बारिश का इस पे बड़ा ही मुस्बत असर होता है, स्मोक सेटल डाउन हो जाती है। बबाकी हमारी जंग की 30 लाख आबादी है, कोई 5 लाख फैमिलीज या घर हैं, तो आज से अगर हम तहिया कर लें कि स्मोक के हवाले से हमने अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जरूर करना है। जैसे घरों में ये स्वीपिंग होती है
तो उससे पहले वाटर स्प्रिंकलिंग मस्ट है। वाटर स्प्रिंकलिंग कर लेंगे, डस्ट नहीं उड़ेगी, तो डस्ट इसमें इसको इसको मिनिमाइज करेगी। तो गाड़ियां हैं उसके जो स्मोक धुआं नहीं आएगा, ऐश नहीं आएगी, कार्बन नहीं आएगी, स्मोक मिनिमाइज होगी। इंडस्ट्री है उस पर बॉयलर पे साइक्लोन का इंस्टॉलेशन मस्ट है। साइक्लोन इंस्टॉल होगा तो बॉयलर से ब्लैक स्मोक, ऐश, कार्बन पार्टिकल एमिशन नहीं होंगे, स्मोक मिनिमाइज होगी। हमारे ग्रोअर्स हैं तो फसल को उठाने के बाद जो क्रॉप रिमेन्स बच रही है उसको कांडली ना जलाएं, उसको हल चला दें, उसको उसको पैक करके सेल आउट कर दें मंडियों में। ये उनका मटेरियल, ये पराली पैकिंग मटेरियल है, उनके लिए अच्छा।